हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आज बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जस्ट मैं अभी पैकिंग करके फुर्सत हुई और अभी मुझे खाना बनाना है और सब रेडी करना है और निकलना है। फिर जल्दी जल्दी में हूँ इसलिए मैं आपको पहुँच के बताऊँगी कि मुझे अचानक कहाँ निकलना पड़ा और आज ही क्यों निकलना पड़ा। इनकी व्यास थोड़ा तबीयत डाउन है, यानी इनको वायरल हो रखा है। दवाई खा के फुर्सत की है। और देव क्या कर रहे हो? तो ये तेल पानी बार बार ये तेल भी रखा है और बार बार क्या करता है कि पानी बाथरूम से जाएगा, हाथ गीला करेगा और फिर आके सिर में मसाज करता है। पानी से नहीं करते, इधर एक सिर दबा रहा है और इधर एक पांव दबा रहा है। दोनों लगे हैं पापा की सेवा में। ये देखिए, ये पांव दबा रहे हैं और ये देखिए देव की मसाज, कितनी अच्छी मसाज करते हैं। वाह, कैसा लग रहा है देव से मसाज करा के? हाँ, तो अभी इन्हें भी दवाई दी हूँ। आई होप कि आराम जल्दी मिल जाए, निकलना है। तो ये दोनों लगे हैं सेवा में और प्रेस के लिए कपड़े दिए थे, कपड़े आ गए हैं। मैं कपड़े रख दूँ, खुल भी गया। मैं इनको नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, ठीक है? हाँ, और इधर चालू है रामायण, रामायण भी देख रहे हैं। तो गाइस चलिए, मैं अब जाके अपना बाकी तैयारियां करती हूँ। और आज अचानक निकलना पड़ा हमें और बारिश भी आज सुबह से इतना गंदा मौसम था कि जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी जाके के मतलब जरूरी था कुछ सामान लेना, तो जाके मैं यहाँ से ली हूँ। और चलिए चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और जल्दी बताते कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और आज ही क्यों निकलना पड़ा, जो कि हमें कल निकलना था। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी। खाना हो चुका है, सबने खा लिया और मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है और बनाया है मैंने साथ में कचौड़ी, जो मैं रास्ते के लिए पैक कर रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट पहुँचेंगे कल हम। आज ट्रेन हमारी लेट नाइट है तो हम खा कर जा रहे हैं। साथ में है कचौड़ी और शेजवान चटनी और ये रेवाऊ। तो चलिए मैं इसको जल्दी से पैक करती हूँ, फिर रेडी होती फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस रात को 12 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन है 1 बजे की है हमारी ट्रेन। और सबसे मेन बात कि भोपाल जंक्शन से है तो हमें टाइम से पहले निकलना पड़ रहा है। तो अब हम निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये ओला आ गई है और अब हम निकलते हैं। बैग बैग बड़ा हो जाता है। एक और है और ये देखिए इधर ये साहब सो गए हैं। उठो चलो देव, चलो 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 बेटू। हाँ बेटू, गाइस भोपाल के मेन स्टेशन हम आ गए हैं और ये अभी गए हैं कैसे कांडे कुछ कैसे कांडे में। और देव अभी भी नींद में है, ये देखिए देव को अभी भी नींद में है देव, है ना? और अभी ओला वाले भैया भी अभी सामान निकालना है। चलिए सामान निकालते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। कितने बजे? फॉर्म वन। चलो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट बात हम नहीं बता सकते। कौन सी काउंटिंग है? बैकवर्ड काउंटिंग। तो अभी हम आधे घंटे में पहुंचने ही वाले हैं अपने डेस्टिनेशन में, है ना? यस। ये देखिए सो गया छोटा बच्चा, ये देखिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट में डालो। कमेंट में लिखेंगी आंटी लोग अब देखेंगी।
सब आ गए हैं दूर, तो अब जाते हैं जल्दी से और ये बारिश के कारण काफी लेट थी ट्रेन। चलिए चलते हैं। देव पहुंच गए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे भिलाई, रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन करने, सेलिब्रेट करने। अरे क्या नहीं सुना, खुश रहो। अच्छा खुश रहे हैं, ठीक है। और सदा सुखी रहो। आओ सौम्या। और ये देखिए बच्चा पार्टी की मस्ती चालू हो गई है। तो गाइस हम आ चुके हैं भिलाई अपने नंद के यहाँ, और एक कंफ्यूजन के चक्कर में हमें जो कि आज 1 बजे निकलना था वो हमें कल रात 1 बजे निकलना पड़ा। हुआ ये कि इन्होंने टिकट की थी 10 तारीख को ही किया था, और उसमें मतलब टाइमिंग जो सो रहा था वो 1 AM का था। हमें लगा कि ये दोपहर की टिकट है, पर जब ध्यान से देखा तो 9 की रात को ही 1 AM, मतलब 9 की रात ही जैसे 12 बज जाते हैं तो 10 तारीख लग जाती है, तो ये रात का 1 AM था। फिर जल्दी जल्दी हमें अचानक प्लानिंग करना पड़ा, पूरी पैकिंग करनी पड़ी, हेक्टिक शेड्यूल हो गया, और जल्दी से गए शॉपिंग करने। और कल भोपाल की बारिश बहुत ही ज़्यादा थी, तो जो हुआ जैसा हुआ, एक कन्फ्यूज़न, एक छोटे से कन्फ्यूज़न के कारण हमें अचानक निकलना पड़ा। तो पर हो गया, कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं। आने वाले ब्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं, हम सबसे मिलवाएंगे, ढेर सारी मस्ती होगी, धमाल होगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।